नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और रविवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज दोपहर पहले 11:09 तक रहेगी। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:27 तक ब्रह्म योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:02 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जाएगी। आज दोपहर 1:29 पर सूर्यदेव कन्या राशि में प्रविष्ट होंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 सितंबर की दोपहर 2:14 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:48 से शुरू हुआ था और सुबह 10:02 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:37 पर शुरू हुआ था और शाम 5:23 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 6:50 से रात 11:37 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 सितंबर की सुबह 6:38 से दोपहर 1:25 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:07 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:28 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:48 से दोपहर 1:06 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:07 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:28 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:48 से दोपहर 1:06 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:37 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:58 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:18 से शाम 5:23 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:48 से शाम 4:53 तक, और एक बार फिर शाम 6:20 से रात 11:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:48 से शाम 4:53 तक, और एक बार फिर शाम 6:20 से देर रात 1:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब ये अशुभ समय 20 सितंबर की रात 11:28 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।
इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा 4:53 से 6:25 तक। मुंबई 5:08 से 6:40 तक। चंडीगढ़ 4:55 से 6:27 तक। लखनऊ 4:37 से 6:10 तक। भोपाल 4:50 से 6:22 तक। कोलकाता 4:07 से 5:39 तक। अहमदाबाद 5:10 से 6:42 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज 4:37 से 6:09 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज ग्रोसरी का सामान खरीदने पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। माता पिता अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चे आज काफ़ी खुश रहेंगे। वकील आज पुराने क्लाइंट के केस को सॉल्व करेंगे, साथ ही नए क्लाइंट से भी मिलेंगे। किसी मित्र की सहायता करने का अवसर मिलेगा जिससे आप काफ़ी प्रसन्न होंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आज आपको राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका दिन लकी रहेगा। राजनीति से जुड़े लोग समाज में अच्छी छवि बनाने में सफल होंगे। सिविल इंजीनियरिंग का कर रहे छात्रों का प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में होगा। मेहनत से किया गया काम अच्छा परिणाम देगा, इसलिए मेहनत से कार्य करने की जरूरत है। टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे लोगों को आज अधिक मुनाफा होगा और उनके बिजनेस में बढ़ोतरी भी होगी। आपके बड़े बेटे का व्यापार ज़्यादा तरक्की करेगा जिससे आपको काफ़ी खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहेगा। किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप शामिल होंगे और वहाँ प्रोग्राम का आनंद उठाएंगे। चेस खेल रहे लोगों की आज शानदार जीत होगी। इस राशि के जो लोग चेस खेलते हैं, अपने साथी खिलाड़ी से भी आप कुछ नया सीखेंगे, अनुभव लेंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामले में आज आपको सफलता मिलेगी। जॉब की तलाश कर रहे लोगों का इंटरव्यू अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने वाला है। छात्रों को परीक्षा के बेहतर परिणाम मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने मित्र के साथ मिलकर प्लान करेंगे जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आप छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशने की कोशिश करेंगे। घर में नन्हे मेहमान के आने का योग है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें जिससे आपके सारे काम अच्छे से होंगे। आज घर के किसी काम को पूरा करने में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। लव मेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मेडिटेशन करें जिससे आपका मन एकाग्र रहेगा और सेहत अच्छी रहेगी। अपने बिजनेस की जिम्मेदारी को किसी जिम्मेदार व्यक्ति को देंगे जिससे आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। बच्चों के साथ आप शॉपिंग मॉल घूमने जाएंगे जिससे बच्चों को अच्छे खिलौने लेकर देंगे। आज ऑफिस में अपना वर्क अच्छे से पूरा करेंगे। बॉस आपके कार्यों से प्रसन्न होंगे। बिजनेस मीटिंग के लिए आज आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अच्छी कंसल्टेंट टीम को रखेंगे जिसकी मदद से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आपका सामान्य बातचीत का व्यवहार अच्छा रहेगा
जिससे आपको लोग पसंद करेंगे, अपने परिवार वालों के साथ मूवी देखने जाएंगे और खूब मनोरंजन करेंगे। आज आपकी रुचि सामाजिक कार्यों में रहेगी, लोग आपकी सराहना करेंगे, परिवार में आपसी सौहार्द बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, वो अपने बच्चों के लिए नई नई डिशेस बनाएंगी। फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रहे लोगों को आज अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको सफल बनाएगा। स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जीवन साथी से कार्यों में सहयोग मिलेगा, इससे आपके कार्य समय रहते पूरे हो जाएंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। किसी रिश्तेदार के आने से आपकी खुशी बढ़ जाएगी और बच्चे भी खुश होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। प्रिंटिंग का वर्क कर रहे लोगों को आज अधिक मुनाफा होगा। नवविवाहित दंपति आज लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। लवमेट्स अपने रिश्ते की बात घर पर करेंगे। आज आप ऑनलाइन कोई नया बिजनेस शुरू करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। बाहर की तली भुनी चीज़ों को खाने से बचें, जिससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। सीनियर से आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। विद्यार्थियों का जीवन काफ़ी बिजी रहेगा, क्योंकि वो आज मैथ्स के टॉपिक को क्लियर करेंगे। किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, जिससे आपका मन खुश होगा। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में प्रभाव बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। पैसों से जुड़े लेन देन को सावधानी के साथ करें। भाइयों से अपने लिए नया घर खरीदने के लिए सलाह लेंगे, जिससे वो लोग आपकी मदद करेंगे। आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपना हर काम बहुत ही ईमानदारी से करेंगे। आपके घर वाले आपसे खुश होंगे, उनको कहीं घुमाने ले जाएंगे। महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा है, किसी कार्य को पूरा करने में सफल होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन एक बेहद ख़ास पल लेकर आएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आज आप प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात करेंगे और डील अच्छे से फाइनल करेंगे। नवविवाहित दंपति को बड़ों से आशीर्वाद मिलेगा। आपका स्वास्थ्य आज फिट एंड फाइन रहेगा। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, साथ में मूवी देखने जाएंगे। जीवन साथी से आज आपको उपहार मिलेगा। व्यापार की गति बढ़ाने के लिए आज आप कोई नया प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके कार्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। लवमेट्स के बीच चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत करने पर आपको बड़े धन लाभ का अवसर मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ विदेश ट्रिप प्लान करेंगे, जिसके लिए आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे। बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाने का अवसर मिलेगा, जिससे आप अपने बच्चों की गतिविधियों को जान पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज नया बर्तन घर लाएँ, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी कन्या को वस्त्र दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए आज खुशी का दिन है। आज आप दादा दादी के साथ समय बिताएंगे। मूलांक 2, आज पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, परिवार में खुशियों का आगमन होगा। मूलांक 3, आज कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, ये खुशखबरी आपके करियर से जुड़ी होगी। मूलांक 4, आपके आसपास के लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, साथ ही आपके किसी काम में मदद भी करेंगे। मूलांक 5, आज आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मूलांक 6, व्यावसायिक प्रगति के लिए आज का दिन फेवरेबल है, आपको आगे बढ़ने के कई मौके भी मिलेंगे। मूलांक 7, आज मित्रों के सहयोग से आपके काम पूरे होंगे, आपकी दोस्ती और मजबूत बनेगी। मूलांक 8, आज आप मन के ख्यालों में बेवजह ही समय बिता देंगे, कोई आवश्यक काम में देरी भी हो सकती है।
मूलांक 9, आज आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा, आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे फर्नीचर रखने की सही दिशा के बारे में। वजन के हिसाब से फर्नीचर हल्का या भारी दो तरह का होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हल्के फर्नीचर को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, जबकि भारी फर्नीचर को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना सबसे अच्छा रहता है। इन दिशाओं के अनुसार फर्नीचर रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है, वहीं इसके विपरीत आपको पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा फर्नीचर के लिए खरीदी गई लकड़ी के लिए उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा के कोने का चुनाव करना चाहिए, इससे घर व दुकान का मनी फ्लो बढ़ता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा फर्नीचर रखने की सही दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदय तिथि द्वितीया और रविवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज दोपहर पहले 11:09 तक रहेगी। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:27 तक ब्रह्म योग रहेगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना हो तो ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे सुलझाने के लिए भी ब्रह्म योग बहुत ही अच्छा है। आज सुबह 10:02 से शुरू होकर दोपहर पहले 11:09 तक द्विपुष्कर योग रहेगा। द्विपुष्कर योग में कोई भी कार्य करने से उस कार्य को दो बार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि द्विपुष्कर योग के दौरान की गई कोशिश का फल हमें दोगुना होकर प्राप्त होता है। साथ ही ये आज सुबह 10:02 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। हस्त नक्षत्र की चर्चा तो हम आपसे कल ही कर चुके हैं, फिर भी एक बार याद दिला दें कि आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र हैं, उनमें से हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त का अर्थ होता है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्ज्वल करने वाला है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, इसकी राशि कन्या है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी भी अन्य चीज़ को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा ब्रह्मयोग और हस्त नक्षत्र की। और अब बात करते हैं भगवान विश्वकर्मा जयंती के बारे में। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जाएगी। विश्वकर्मा का जन्म सूर्य संक्रांति के दिन हुआ था। विश्वकर्मा जी को धरती के प्रथम इंजीनियर और देवताओं का शिल्पकार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्री विश्वकर्मा ने ही सतयुग में स्वर्ग, त्रेता युग में लंका, द्वापर में द्वारिका और कलयुग में जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों का और मंदिर का निर्माण किया है। इस दिन लोग अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अपनी दुकानों और कारखानों में स्थित मशीनों की पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को सुख समृद्धि का देवता भी माना जाता है। इस दिन स्नान आदि कर पूजन स्थल को साफ कर गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र करें, फिर एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, पीले कपड़े पर लाल रंग के कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और फिर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। स्वस्तिक पर चावल और फूल अर्पित करें, फिर चौकी पर भगवान विष्णु और श्री विश्वकर्मा जी की प्रतिमा या फोटो लगाएं, फिर एक दीपक जलाकर चौकी पर रखें, भगवान विष्णु और विश्वकर्मा जी के मस्तक पर तिलक लगाएं, विश्वकर्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम करते हुए उनका स्मरण करें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि वो आपके नौकरी या व्यापार में तरक्की करवाएं। ऐसा करने से वो आपके नौकरी और व्यापार में तरक्की करवाएंगे। धूप दीप नैवेद्य से श्री विष्णु और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें, भगवान विष्णु और श्री विश्वकर्मा की पूजा करें, फिर श्रद्धापूर्वक आरती करने के बाद फल मिठाई का भोग लगाएं और इस भोग को सभी लोगों और कर्मचारियों में जरूर बांटें। तो ये थी चर्चा विश्वकर्मा जयंती की। और अब बात करते हैं सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में। आज दोपहर 1:29 पर सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और अगले महीने यानी 17 अक्टूबर की देर रात 1:27 तक
कन्या राशि में ही गोचर करते रहेंगे, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि जिस दिन सूर्यदेव किसी एक राशि से दूसरी राशि में प्रविष्ट होते हैं उस दिन सूर्य की संक्रांति होती है। किसी भी संक्रांति में पुण्यकाल का बड़ा महत्व है। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दान का महत्व बताया गया है। सूर्य की कन्या संक्रांति के दौरान गोदावरी नदी में स्नान दान का महत्व है। तो बता दूं कि सूर्य की इस कन्या संक्रांति का पुण्यकाल आज दोपहर 1:29 से सूर्यास्त तक रहेगा, लिहाजा आप इस समय के बीच स्नान दान पुण्य करके लाभ उठा सकते हैं। साथ ही सूर्य के कन्या राशि में इस गोचर से आने वाले 30 दिनों के दौरान विभिन्न राशि वालों पर क्या असर होगा और उसके लिए आपको कौन से उपाय करने होंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के छठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। सूर्य के इस गोचर से आपके जीवन में मित्रों की वृद्धि होगी और जरूरत के वक्त उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। शत्रु पक्ष आपसे दूरी बनाकर रहेगा, लेकिन इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है, लिहाजा 17 अक्टूबर तक सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए बंदर को गुड़ खिलाएं, साथ ही मंदिर में बाजरा दान करें। वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके पांचवें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के पांचवें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको विद्या का लाभ मिलेगा, आपको संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी, गुरु और जीवन साथी के साथ भी अच्छे रिश्ते बनेंगे। तो अगले 30 दिनों तक इन सब चीज़ों का उचित लाभ उठाने के लिए छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट करें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में चौथा स्थान भूमि, भवन, वाहन और माता से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको 17 अक्टूबर तक अपनी मेहनत के बल पर भूमि का लाभ, भवन का लाभ, वाहन का लाभ और माता का आशीर्वाद भी बना रहेगा, लिहाजा सूर्य के शुभ फल बनाए रखने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। सूर्य के इस गोचर से आपको अपने भाई बहनों से आशा के अनुसार साथ नहीं मिल पाएगा और आप खुलकर दूसरों के आगे अपनी बात रखने में संकोच करेंगे, तो भाई बहनों का पूरा साथ पाने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कायम रखने के लिए 17 अक्टूबर तक धार्मिक कार्यों में सहयोग देते रहें। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। सूर्य के इस गोचर से आपके धन में वृद्धि होने के आसार कम हैं, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो आपको उचित फल प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान आपके स्वभाव में बदलाव आएगा, तो आपके पास धन का फ्लो बढ़ाने के लिए 17 अक्टूबर तक का समय है। इस दौरान किसी धर्मस्थल या मंदिर में नारियल का दान करने से फायदा होगा। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके लग्न पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है, अतः इस स्थान पर सूर्यदेव के गोचर से आपको कई तरह के फायदे होंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके यश और सम्मान में बढ़ोतरी होगी और लवमेट्स के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही आपकी संतान को न्यायालय से लाभ मिलेगा, तो सूर्यदेव के इन शुभ फलों को बनाए रखने के लिए 17 अक्टूबर तक रोज सुबह स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को नमस्कार करें। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है, परंतु इस स्थान का संबंध व्यय से भी है। अतः सूर्य के इस गोचर से आपको शैया सुख तो मिलेगा, लेकिन आपके खर्चे भी बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। तो सूर्यदेव के अशुभ फलों से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 17 अक्टूबर तक अपने घर की खिड़की और दरवाजे खुले रखें, ताकि आपके घर के एक एक कोने में सूर्य की किरणें पहुंच सके। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। सूर्य के इस गोचर से मेहनत के बल पर आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे और आपके काम बनेंगे। इस दौरान आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, लिहाजा सूर्य के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए रात के समय अपने सिरहाने पर
5 बादाम रखकर सोएं और अगले दिन सुबह उठकर उन्हें किसी धर्मस्थल या मंदिर में दान कर दें। धन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में 10वें स्थान का संबंध करियर, राज्य और पिता से है। सूर्य के इस गोचर से आपको अपने करियर में सफलता अवश्य मिलेगी, साथ ही आपके पिता के काम भी बनेंगे। इस दौरान कोई प्रशासनिक काम पूरा हो जाएगा, लिहाजा अपने करियर में और पिता के कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज से 17 अक्टूबर तक घर से बाहर निकलते समय अपना सिर ढककर जाएं। आप सिर पर सफ़ेद रंग की टोपी या पगड़ी पहन सकते हैं। मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। इस स्थान पर सूर्यदेव के गोचर से आपको अपने कार्यों में भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा। आपको अपने कार्यों में कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। लिहाजा अपने कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए घर में पीतल के बर्तन का उपयोग करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी 17 अक्टूबर तक पीतल की कोई चीज़ गिफ्ट में न दें और न ही दान करें। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है, अतः सूर्य के इस गोचर से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अपने बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही लंबी आयु प्राप्त करने के लिए अगले 30 दिनों के दौरान काली गाय की सेवा करें, साथ ही जब भी मौका मिले बड़े भाई की मदद करें। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से है, आपके दाम्पत्य जीवन से है। सूर्य के इस गोचर से आपके दाम्पत्य रिश्ते मधुर होंगे, रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। तो जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए और किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए अगले 30 दिनों के दौरान अपने भोजन में से एक हिस्सा निकालकर किसी जरूरतमंद को खिलाएं। सूर्य के कन्या राशि में गोचर के प्रभाव से विभिन्न राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी की मदद से नौकरी पाने का मौका मिलेगा। B, किसी काम में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिससे आपका काम पूरा होगा। C, आज आप पूरे दिन खुश और हंसमुख बने रहेंगे, धन लाभ होने के सुनहरे अवसर भी प्राप्त होंगे। D, करियर से रिलेटेड आज का दिन अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। E, पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा, रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। F, आज आप जो भी काम करें उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। G, आज आप स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, किसी भी समस्या को नज़रअंदाज न करें। H, किसी पारिवारिक समस्या का समाधान निकालने के लिए आज आप विचार विमर्श करेंगे। I, अगर आप किसी चीज़ में रुपये निवेश कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। J, आज आप किसी से बात करते हुए मधुर भाषा का प्रयोग करें, आपके काम बनते जाएंगे। K, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपसे दूर होंगी, किसी उलझन से भी छुटकारा मिलेगा। L, आज कैश के लेन देन में सावधानी बरतें, किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचें। M, जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे, कुछ नया करने का प्लान बनाएंगे। N, निजी कार्यों में बहुत सोच समझकर कोई भी निर्णय लीजिए, दूसरों पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें। O, व्यापार में आय बढ़ेगी, साथ ही व्यापार को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। P, प्राइवेट शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, जल्द ही ट्रांसफर होने की संभावना है। Q, बिजनेसमैन आज किसी डील को फाइनल करने से पहले उसको ध्यान से समझ लें। R, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत आज करेंगे। S, बेकरी का काम कर रहे लोगों की सेल में वृद्धि होगी, आपके लिए आज का दिन लाभदायक साबित होगा। T,
लवमेट्स को आज उनकी पसंद का उपहार मिलेगा जिससे उनका दिन खुशनुमा रहेगा। यू राजनीति से जुड़े लोग आज अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव लाएंगे। वी प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों को अच्छे परिणाम हासिल होंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा। डब्ल्यू वकील आज नए क्लाइंट से जुड़ेंगे जिससे उन्हें नए केस मिलेंगे। एक्स परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान होने के योग बन रहे हैं, दिन व्यस्तता से भरा होगा। वाई दांपत्य जीवन में हो रही नोकझोंक आज खत्म होगी, जीवन साथी खुश होने की वजह देंगे। जेड आपकी कोई नई किताब आज पब्लिश होगी जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाएगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं मोढेरा के सूर्य मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के मोढेरा में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। इसे राजा भीमदेव ने बनवाया था। मंदिर तीन हिस्सों में बटा हुआ है, पहला मुख्य मंदिर, दूसरा सभा मंडप तथा तीसरा कुंड जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। मंडप में सुंदरता से गढ़े पत्थर के स्तंभ अष्टकोणीय योजना में खड़े किए गए हैं। कुंड के भीतर भी कुछ छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जो भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु और शीतला माता को समर्पित हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत सूर्य मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने विस्तृत आकार के यानी लंबाई में फैले हुए होठों के बारे में चर्चा की थी और आज भी हम उसी कड़ी में आगे की चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था कि लंबाई में फैले हुए होठ वाले लोग बड़े ही मतलबी होते हैं। ये लोग अपने काम के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में नैतिक चरित्र का अभाव होता है। ये लोग पैसे के लालच में आकर कुछ भी गलत कर सकते हैं। इनके अंदर दूसरों को प्रभावित करने की और छल से अपना काम निकलवाने की पूरी क्षमता होती है। इन मामलों में ये अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते, लेकिन इनके कामों का भेद भी जल्दी ही खुल जाता है और भेद खुलने पर इन्हें अपमान सहना भी पड़ता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा विस्तृत आकार के यानी लंबाई में फैले हुए होठों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। द्वितीय तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। द्वितीय तिथि आज दोपहर पहले 11:09 तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 12:40 तक रहेगी। तृतीय तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज 5 मुट्ठी चावल दान करें, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।